कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। आज आप सभी लोग के सामने एक डेरिवेशन रख रहे हैं, और प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो इस चैप्टर में कई सारे डेरिवेशन हैं, आज भी हम 3 डेरिवेशन कराएंगे, सुषमता ध्यान देना। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कुछ, देखो ध्यान से देखो जरा बोर्ड पे, देखो हमने ना आप लोगों को हेडिंग बताया ना कुछ बताया, डायरेक्ट का चित्र बना दिया। बेटा शिवांशु किस चीज का चित्र बना है? आप सभी लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस बना है, किसी कोई डाउट? उत्तल लेंस अच्छे से दिखा। अच्छा, ये उत्तल लेंस की पार्श्विक अक्ष है। सत्यम देख रहे हो जरा उत्तल लेंस बोर्ड पर बना है? हाँ बैठ जाओ, तुम इस पूछेंगे। तो ये एक उत्तल लेंस बना हुआ है, आगे आ जाओ स्विच पर। एक उत्तल लेंस बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान दो। ये इसका क्या है? प्रकाशित के। और ये बच्चों क्या है? जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। उत्तल लेंस साफ साफ दिखा सबको, प्रकाशिक केंद्र दिखा। यहाँ शिवांशु प्रथम फोकस F1 है, यहाँ F2, यहाँ F2 है, यहाँ F2। कोई असुविधा किसी को? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप जो है बंसी का समझना है। अगर हम एक वस्तु रख दे मुख्य अक्ष पर और नाम इसका रख दे AB, एक वस्तु रखी है, सभी लोग गौर से देखो, एक वस्तु मुख्य अक्ष पर क्या रखी हुई है? AB दिखाई दे रही है कि नहीं? सीधी रही थी ना? कोई एक वस्तु ये भी रखी है, सभी को दिखाई दिया। अब झुकी ये लेंस के सामने रखी है, तो बहुत सारी किरणें इस वस्तु से होकर लेंस पर आपतित होंगी और लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यही तो होगा शिवांशु। और हम लोग जो है प्रतिबिंब जब बनाते हैं किसी वस्तु का लेंस के द्वारा, तो 3 प्रकार का अपवर्तन हमें याद आता है। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाना, दूसरी प्रथम फोकस से ले जाना, और तीसरी प्रकाशिक केंद्र से ले जाना, यही है ना? तो रोली यहां ध्यान से देखो जरा, ये एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, और ये जैसा कि आपको सभी को पता है कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बच्चों, आपको आज एक काम की बात बता रहे हैं। एक साइंटिस्ट है फिजिक्स में, सर आइजैक न्यूटन। वैसे इनके जो है गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस या सुकरात, जो दार्शनिक थे यूनान के, नाम सुना होगा। इनके शिष्य अरस्तु थे, अरस्तु जो विज्ञान के जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले विज्ञान की खोज की, आविष्कार किया, विज्ञान जीव विज्ञान सबकी खोज की, उन्हीं के शिष्य न्यूटन थे। तो न्यूटन भी बहुत ज़्यादा जानकार, बड़े दिमागी थे। इनकी एक खासियत थी कि ये फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्यों डेरिवेशन करे या कौनों खोज करे तो हुआ पहुँच जाए, अपनों हुआ कुछ खोजे हो जाए ला गए, और अपन जो है नाम एकाटे हुआ झंडा गाड़ दें। अब आप खुद देखो कि न्यूटन साहब का नाम आप जो है यांत्रिकी पढ़े हो, यांत्रिकी के जनक है, न्यूटन के गति विषयक नियम है ना, गति के समीकरण वगैरह बहुत सारी खोजें दिया है कि नहीं? तो माने ये समझ लो कि यांत्रिकी में इनका इस्तेमाल है, या इन्होंने बहुत सारे आविष्कार खोज की है। यहाँ प्रकाश पढ़ा रहे हैं, प्रकाश में भी इन्होंने खोज कर दी। उसके बाद उष्मा पढ़ते हो तो उष्मा में भी न्यूटन ने खोज कर दी। माने चाचा न्यूटन हर जगह अपन झंडा गाड़े पहुंचा रहा था, तो ये यहाँ भी आ गए लेंस वगैरह वाली खोज में भी। तो जैसा कि आप देख रहे हो श्वेता, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और कहां से गई? द्वितीय फोकस से गई।
अगर अभी हम इकाई किरण प्रकाशिक केंद्र से लेके चले तो तुरंत जान लो यूवी एफ वाला डेरिवेशन आने लगेगा। yes, जो लेंसों के लिए यूवी एफ में डेरिवेशन कल कराए थे तो उसमें एक किरण मुख्यत्व के समांतर चलती थी और दूसरी किरण हमेशा कहाँ चलती थी, प्रकाशिक केंद्र से। लेकिन न्यूटन जो है, चूंकि न्यूटन न्यूटन है तो थोड़ा खुराफाती थे, एक किरण मुख्यत्व के समांतर इन्होंने वस्तु से आपतित कराई और इकाई किरण कहा कि चलो प्रथम फोकस से लेके चले। तो इकाई किरण ये कहाँ से लेके चले, प्रथम फोकस से। आप सभी को पता है कि जब जो है प्रथम फोकस से किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तक के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ कट होंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा कि नहीं। और गौर से देखो, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा होगा, ए डैश बी डैश ऐसे बन गया। कोई दिक्कत बेटा, कहीं किसी को असुविधा, चित्र एक बार फिर से समझाए, चित्र एक बार फिर से समझो, चाचा न्यूटन की खोज है। अगर अभी एक किरण मुख्यत्व के समांतर, मान लो इस किरण का नाम एम है और इस किरण का नाम जो है ए अपरियन, ऐसे अगर अभी एक किरण मुख्यत्व के समांतर ले चले तो यह लेंस के द्वितीय फोकस से जाती है और दूसरी अगर प्रकाशी केंद्र से लेके चलते तो उसी मार्ग से जाती। लेकिन तब कौन सा डेरिवेशन होता बेटा, यूबीएफ का। तो ये दिमाग में याद रखो, कभी कभी बच्चे जब एग्जाम में आता है डेरिवेशन करने का तो न्यूटन वाला डेरिवेशन करने लगते, लेकिन आदत पड़ी रहती है, एक किरण समांतर एक किरण फोकस से ले जाते हैं तो कभी डेरिवेशन नहीं हो पाता, उसे बेचारे आधे फंसे रहते हैं। तो आप याद रखो सत्यम गुप्ता कि अगर जो है न्यूटन चाचा वाला सूत्र डिराइव करना रहेगा तो एक किरण मुख्यत्व के समांतर रहेगी और दूसरी किरण कहाँ से चलेगी, प्रथम फोकस से। कहाँ चलेगी, बदल गया ना, इतना सबको समझ में आया। अब ये मान लेते हैं शिवांशु कि ये जो प्रथम फोकस है और ये वस्तु है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स है। चित्र दिखाई दे रहा है सबको, मान लिए प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, ठीक है, और यह भी मान ले रहे हैं कि लेंस की प्रथम फोकस दूरी F1 है, माने प्रकाशी केंद्र से F1 तक की दूरी कितना है, F1 मान नहीं रहे हैं। शिवांशु यह भी मान ले, लेंस के प्रकाशी केंद्र से द्वितीयक फोकस की दूरी, माने द्वितीयक फोकस दूरी F2 और द्वितीयक फोकस से प्रतिबिंब की दूरी X2। यह पूरा मान लिए है, केवल क्या क्या मान लिया शिवांशु, चित्र का वर्णन करें बेटा। चाचा न्यूटन की बात है, अभी देखो क्या करेंगे। ये न्यूटन ने एक उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस के मुख्यत्व पर क्या रख दिया, क्या नाम है उसका, ए बी से एक किरण मुख्यत्व के समांतर चली, क्या नाम है उसका, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गई, ये हम जानते हैं। दूसरी किरण स्वाति नक्षत्र कहाँ से चल रही है, प्रथम फोकस से, AN, ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, लेंस की प्रथम फोकस दूरी कितना मान लिए है, द्वितीय फोकस दूरी कितना मान लिए है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी, समझ में आया। तो यहां देखो जरा, माना प्रथम फोकस दूरी, रोहन समझ में आ रहा है, द्वितीय फोकस दूरी F2 दिख रहा है, प्रथम फोकस से वस्तु दूरी शिवांशु कितना है, ठीक है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब दूरी कितना है, एनी डाउट। तो अब यहाँ ध्यान से देखो जरा, स्क्वायर एक त्रिभुज नन्हा मुन्ना ये बना है और एक त्रिभुज नन्हा मुन्ना ये बना है, लेंस के इस साइड का त्रिभुज बने या सक्षम, ऐसा समझो कि आ जाए, क्योंकि 12-13 डेरिवेशन में समुचित गचर पचर होगा, इधर उधर दिमाग लगाओगे, ध्यान समझो। बताए सुषमता क्या दिक्कत होती है कि जब ढेर सारे डेरिवेशन हो जाते हैं, जब करने बैठोगे पहले में दूसरा याद आएगा, दूसरे में पांचवा,
ऐसे होता है, इसलिए मन लगा समझो हमारी तरह। तो दीपक अकेले यहाँ देखो जरा, कई त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लेंस के उस साइड कई त्रिभुज है, कौन कौन सी वाले सुने ए बी अपवन एन ओ अपवन, पक्का पक्का हम लोग जानते हैं दो त्रिभुज पाते हैं क्या करते हैं, कोई दो कोण बराबर करते हैं, समरूपता थ्योरम सेटअप करते हैं, यही जानते हैं। अब तो रट उठना चाहिए, तो यहां ध्यान से देखो जरा, त्रिभुज ए बी अपवन अब तो याद हो जाना चाहिए, और त्रिभुज एन ओ अपवन चित्र में दिखाई दिया कि नहीं? यस सर। गौर से देखिएगा, देवेश ये कोण का अंश है और ये कोण का अंश है, ये वाला, तो दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर हो गए, कौन कौन ए बी अपवन बराबर कोण एन ओ अपवन, कहीं कोई असुविधा? क्या लिख दे क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 बराबर हो गए, नहीं मानोगे मेरी बात। अब ये कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख है दोनों, इसलिए बराबर है। ये वाला कोण क्या है? ए एफ वन बी, और ये वाला एन एफ वन ओ, प्रत्येक क्या है? तो यहां ध्यान दीजिए जरा, ये दोनों त्रिभुजों में कौन कौन त्रिभुज देखे जरा इधर सीरियसली समझो, जिससे आपको भी डेरिवेशन आ जाए। ये वाला कोण ए बी एफ वन कितना है? 90, और ये वाला कोण एन ओ एफ वन, तो दोनों 90 के कारण बराबर है। और ये कोण और ये कोण जब दो रेखाएं क्रॉस करती है तो उनके बीच शीर्षाभिमुख कोण बनता है, तो ये वाला कोण ए एफ वन बी और ये वाला कोण एन एफ वन ओ, दोनों बराबर है। और किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं, कई दिनों से बता रहे हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। और ऐसे त्रिभुज समान कोण या कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज। जिन त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हो, समान कोण या समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनमें समरूपता प्रमेय लगती है। समरूपता प्रमेय क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर होना, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी एफ वन समरूपे त्रिभुज एन ओ एफ वन, समझ में आया? इसलिए कौन सी प्रमेय लगा दे? समरूपता प्रमेय से। गौर से देखिए, समझ लेते हो सब सरल हो जाता है। लंब बटे लंब, पहले वाले त्रिभुज में लंब क्या है? AB, और दूसरे में लंब क्या है? लंब बटे लंब बराबर आधार बी एफ वन बटे ओ एफ वन। शिवांशु एनओ किसके बराबर है देख के बताओ, एनओ एडस बी कहा हुआ, ये भी चली गया। एनओ यहाँ इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, एडस बी डैस, इज दैट क्लियर? तो जहां एनओ है वहां क्या लिख देंगे? एडस बी डैस बराबर बी एफ वन बटे ओ एफ वन, एक समीकरण बना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ आया? क्लियर। अब देखो जरा लेंस के उस साइड चले, फिर दो त्रिभुज दिखाई देने लगे, दिख रहे हैं? एक त्रिभुज ये दिख रहा है अंकित, और ये क्या अंश का कोण दिख रहा है? 90, और ये क्या अंश का कोण? 90, माने दोनों 90 90 बराबर है। और इन दोनों त्रिभुजों में यह कोण और यह कोण भी तो बराबर है। चलो लिख दे कौन कौन त्रिभुज बेटा, त्रिभुज एम ओ एफ टू और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, कौन कौन त्रिभुज ले लिए, देख लिया आपने? वैसे ही लंतरानी सेट कर रहे हैं, कौन से लंतरानी सेट किया ध्यान से देखो, यह कोण और यह कोण 90 90 के कारण बराबर है, एम ओ एफ टू बराबर ए डैश
B-F2 क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 और ये दोनों कोण भी बराबर है क्यों? सर कोण AM F2O बराबर A'F2B' क्यों बराबर है? दोनों त्रिभुजों में क्या कोण बराबर हो गए? इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? इसलिए त्रिभुज AMOF2 समरूपे त्रिभुज A'B'F2 त्रिभुज समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप हो गए कौन सी प्रमेय लगती है? हमेशा जब दो त्रिभुज मिल रहे हैं हमको इस चैप्टर में हम यही कर रहे हैं समरूपता प्रमेय से। समरूपता प्रमेय से लंब बटे लंब यमो बटा एडेस बीडेस आधार OF2 बटे BF2 शिवांशु यमो बराबर क्या है? यमो बराबर यमो AB दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां है बराबर है तो यमो बराबर क्या है? जहां यमो है वहां क्या लिख दे? AB बटा वहां कोई डाउट? समझ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? समीकरण दो। अब देखो बेटा मेहनत से एक समीकरण यहां बनाया मैंने और एक समीकरण वहां। अगर जो है अंशिका देखो दोनों समीकरण के LHS टॉपिक बराबर है कि नहीं। अच्छा ऐसे ही यहाँ डेरिवेशन में करते हैं हम लोग UBF वाले में भी ऐसे ही किए थे। ठीक है तो समीकरण एक व दो से LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। BF1 बटे OF1 बराबर OF2 बटे B'F2। देखो हम इतनी बात जो है देखो कहने पर एक बात ध्यान से देखना। देखो सबसे बड़ी बात कि एक चाचा थे सर आइज़क न्यूटन। वो फिजिक्स में हर जगह डेरिवेशन वगैरह में या आविष्कार वगैरह में पहुँच कर मर जाते हैं, अपना झंडा गाड़ने लगते हैं। तो यहाँ प्रकाश के चैप्टर में भी वो पहुंच गए अपना झंडा गाड़ने लगे। क्या किया उन्होंने ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक उत्तल लेंस लिया जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ था, प्रथम फोकस F1 था, द्वितीय फोकस F2 था, 2F1 2F2 ऐसे सब कुछ था और ये मुख्य अक्ष थी। यहाँ तक सबको समझ में आया। मुख्य अक्ष पर उन्होंने एक वस्तु रख दिया AB और इस वस्तु का प्रतिबिंब वो जानना चाहते थे लेंस से बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का तरीका पता है कि तीन प्रकार की किरणें जब जो है वस्तु से लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उनका प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है लेंस पर आपतित हो रही है। क्या नाम है इसका? AM दिखाई दे रहा है और हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से गई। कोई दिक्कत? चूंकि हम लोग डेरिवेशन UBF वगैरह किए हैं तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं तो दूसरी प्रकाशिक केंद्र से ले चलते हैं। लेकिन चाचा न्यूटन ने क्या किया कि कहा दूसरी प्रकाशिक केंद्र से नहीं ले चलेंगे। और आप भी याद रखिए, अभी बता रहा हूं याद है लेकिन एग्जाम के समय में आप भूल जाते हो, उल्टा सीधा कर देते हो। जब न्यूटन चाचा वाला डेरिवेशन करना रहेगा तो एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर ले चलेंगे, दूसरी किरण प्रथम फोकस से ले चलेंगे और प्रथम फोकस से चले तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और A' B' प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर एक और बात न्यूटन ने एडजस्ट किया, प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को उन्होंने कहा प्रथम फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी से वस्तु की दूरी कितना मान लिया है? ध्यान से समझो जरा न्यूटन की कहानी। प्रथम फोकस की दूरी, प्रथम फोकस दूरी और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या लिखा इन्होंने? और द्वितीय फोकस की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी यक्ष गए। याद आया? अगली लाइन से यहां पर देखो जरा, ये डेरिवेशन हमने एडजस्ट कराया। कैसे कराया? हमने कहा लेंस के उधर देखो दो त्रिभुज बने हुए हैं,
बने हुए कि नहीं? नाम बोलो सुमित पाल। ए बी एफ वन एन ओ एफ वन सभी को दिखा। डेरिवेशन ध्यान से समझो बेटा, हम सोचते हैं क्लास में समझ में आ जाए, इसलिए डांट डांट के समझाते हैं जो इधर उधर देखते रहते हो। तो ये कौन का है? इसका है। और ये कौन? रोहन बेटा। ए बी एफ वन बराबर एन ओ एफ वन, तो यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत? तो ये संख्या है क्या? और उसके बाद ये कोण और ये कोण शीर्ष से विमुख है, तो ये देखो लिख दिए ए एफ वन बी यानी एफ वन ओ शीर्ष से विमुख। दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। दोनों को लिख दिए त्रिभुज ए बी एफ वन समरूप यानी ओ एफ वन। और तब समरूपता प्रमेय कक्षा दस वाली लंब बटे लंब ए बी बटा एन ओ बराबर आधार बी एफ वन बटे ओ एफ वन। किंतु आप देख रहे हो ये एनओ, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, एनओ का मान ए डैश बी डैश के बराबर है। तो जहां एनओ था वहां क्या लिख दिए? तो एक समीकरण ताजा ताजा क्या आ गया? ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी एफ वन बटे एक समीकरण बन गया। लेंस के उस साइड देखो फिर दो त्रिभुज बने हुए हैं, कौन कौन? एम ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, दोनों में ये कोण और ये कोण 90-90 के कारण बराबर है। एम ओ एफ टू ए डैश बी डैश एफ टू, ये दोनों कोण किस कारण बराबर है? कोण एम एफ टू ओ ए डैश एफ टू बी डैश दोनों शीर्षाभिमुख कारण बराबर है। दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर हो गए, इसलिए तीसरा सतह बराबर होगा। त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज हो गए, और जब त्रिभुज समान कोणिक हो गए तो समरूपता प्रमेय लगा दे, लंब बटा लंब आधार बटा आधार एमओ बटा एडैश बी डैश ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू, ठीक है? ये अमुक जगह ए भी लिख दिए, दोनों समीकरण के आर एच एस सेव कर दिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? न्यूटन सरल लग रहा है कि नहीं? अब आगे देखो बी एफ वन चित्र देख के बताओ क्या है विकास सर। और बी एफ वन, बी एफ वन प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, ओ एफ वन क्या है? प्रथम फोकस दूरी एफ वन। ओ एफ टू क्या है? द्वितीय फोकस दूरी। बी डैश एफ टू क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तिरछा गुणा करते एक्स डैश बराबर एफ वन एफ टू, इसको कौन प्राप्त किए? इसको अगर लैंग्वेज में बोला जाए हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम बोलते क्या? उत्तल लेंस हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कल पेपर है फिजिक्स का, देखना हो सकता है आ जाए इस बार भी। उत्तल लेंस हेतु न्यूटन का सूत्र, हेडिंग लिख दिए कि नहीं? हमसे पूछो हेडिंग लिख दिए ना? Yes, समझ में आया? तो यहाँ देखो जरा स्कूल लैंग्वेज में बोलेंगे, सुषमी पूछा जाता है उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, तो देखो क्या है लैंग्वेज, एक्स एक्स माने प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस के दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो हमने कहीं चिन्ह नहीं लिया है, ठीक है? तो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस की दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के, यही उत्तल लेंस के लिए।